मध्य प्रदेश में पोस्टर पर सियासत शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत छिंदवाड़ा से हुई, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके सांसद पुत्र नकुल नाथ के लापता होने के पोस्टर लगे थे। मामला गरमाया तो अब कमलनाथ और बेटे नकुल नाथ दोनों छिंदवाड़ा जा रहे हैं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में पोस्टरों की राजनीति को गलत बताया है। नहीं, मैं मानता हूँ कि इस तरह की पोस्टर की पॉलिटिक्स इस लॉकडाउन के पूरे परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश की राजनीति से सूट नहीं होती है। मध्य प्रदेश में तो व्यवहारिक रूप से लोक व्यवहार से एक दूसरे से लोग अच्छा व्यवहार करते हैं, राजनीतिक व्यक्ति, और मैं मानता हूँ कि कार्यकर्ताओं में भी वो संदेश जाना चाहिए। और इस तरह की जिसने भी की, जैसे भी की, मैं मानता हूँ कि ये अच्छी पॉलिटिक्स के लिए ठीक है। वहीं छिंदवाड़ा में लापता वाले पोस्टर से बौखलाई कांग्रेस ने। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया के जयसवाल पैलेस और उसके आसपास के इलाकों में गुमशुदा जनसेवक नाम से सिंधिया के पोस्टर लगा दिए। पोस्टर में ऐलान किया गया कि सिंधिया का पता बताने वाले को 5100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। पोस्टर पर बवाल हुआ तो सिंधिया समर्थकों ने कांग्रेस के सिद्धार्थ राजावत के खिलाफ थाने में शिकायत दे दी। खुद बीजेपी बोल रही है कि सिंधिया को गुमशुदा बताने वाले ये नहीं जानते कि वो लगातार ग्वालियर चंबल संभाग पर नजर बनाए रखे हैं। कुछ लोग कोरोना के बीच में राजनीति करना चाहते हैं और उन राजनीतिक दलों के अंदर कोरोना से पीड़ित मानवता की सेवा का भाव नहीं है। वो दिल्ली में बैठे सोनिया गांधी जी के इशारे पर राजनीति करना चाहते हैं। आपको याद होगा कि हमने आज तक पर भी सुना था कि सोनिया गांधी जी ने आह्वान किया है कि मजदूरों को लाने के लिए किराया दिया जाएगा, बस दी जाएंगी, ट्रेनें चलाई जाएंगी, और उसी बस और ट्रेन के बीच में कमलनाथ जी बोले कि मध्य प्रदेश उन मजदूरों का पूरा खर्चा उठाएगा, कांग्रेस मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। तो मजदूरों का एक रुपए तो दिया नहीं, एक मजदूर का खर्चा तो उठाया नहीं, और मजदूरों पर पॉलिटिक्स करके मजदूरों को बहला फुसला कर सड़कों पर लाने के लिए बेहोश कर दिया, उद्दलित कर दिया, और मजदूर के अंदर ये भय पैदा कर दिया कि तुम अगर कहीं महाराष्ट्र में हो तो तुम्हारे अंदर तुम असुरक्षित हो, तुम मध्य प्रदेश में हो तो असुरक्षित हो, तुम अपने घर लौटो, तुम अपने गांव लौटो, ये माहौल पैदा किया। इस माहौल पैदा करने के बीच में तो नागरिकों को अब जागरूकता होना बहुत जरूरी है। इसलिए कमलनाथ जी के पोस्टर लगाकर, नकुलनाथ जी के पोस्टर लगाकर छिंदवाड़ा की जनता ने सवाल किया कि कमलनाथ जी आप भाषण तो देते हो भोपाल में बैठकर, आपके पास तो हेलीकॉप्टर भी है, प्लेन भी है, आप छिंदवाड़ा मॉडल के नाम पर राजनीति करते हो पूरे देश में, और हम छिंदवाड़ा के नागरिक इस समय जब कोरोना के संकट से लड़ रहे हैं, आदिवासी गरीब मजदूर, तब आप दिखाई नहीं दे रहे, तब आपके बेटा जो सांसद है नकुलनाथ जी वो दिखाई नहीं दे रहे। और इसलिए जाएज छिंदवाड़ा के नागरिकों का ये सवाल पूछना कि कहां हो कमलनाथ जी, कहां हो नकुलनाथ जी, आओ हमारे बीच में, आपको तो संसाधनों से भरपूर है, आपके राज्य में ही कोरोना की आगमन मध्य प्रदेश में हो गया था। आज मध्य प्रदेश में अगर कोरोना के कारण कोई पीड़ित और मौतें हुई हैं तो उसके पीछे जवाबदार कमलनाथ जी स्वयं आप हैं। तो इस हिसाब से तो सिंधिया जी का भी अगर पोस्टर लगा तो क्या? देखिए, सिंधिया जी जिस दिन से दिल्ली में थे, इसके पहले लॉकडाउन हो चुका था, और लॉकडाउन होने के कारण पर सिंधिया जी ने आज दिनांक तक सबसे बातचीत की, हमसे स्वयं बात की, वहां के कार्यकर्ताओं से बात की, वहां के जनप्रतिनिधियों से बात की, वहां के स्थानीय पंच सरपंचों से बात की। सिंधिया जी जितनी व्यवस्था कर सकते हैं वहां कोरोना पीड़ितों के लिए उनकी व्यवस्था की। बहरहाल पोस्टर की राजनीति कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से कोरोना संकट के दौरान भी मध्य प्रदेश में नेता एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में लगे हैं, वो शायद कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। भोपाल से रविशपाल सिंह की रिपोर्ट।